बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साहब और आप देख रहे हैं करिश्मा यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के वास्ते हम फौरन आपके साथ शेयर करते हैं और क्वालिटी वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं, जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है कि ये वाकई खबर जो है ये 100% रियल है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर जो बोर्ड की तरफ से न्यू अपडेट आई है एग्जाम के हवाले से, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखकर आपकी सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले जो बच्चे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आए एजुकेशन के वाले से आपको बरवक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले जो है, जो मैं आपके साथ खबर शेयर करने लगा हूं, स्क्रीन के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड की तरफ से न्यू रिवाइज डेट शीट जो है वो जारी कर दी गई है। स्क्रीन के ऊपर जो है देख सकते हैं, जो आपके पार्ट सेकंड के 12वीं क्लास का जो एग्जाम शुरू होगा 22/6/2021 से जो है आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बोर्ड ने जो है बाकायदा डेट शीट जो है वो जारी कर दी है, स्क्रीन के ऊपर जो है आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें 11वीं क्लास की, 28/6/2021 को जो है आपका 11वीं क्लास का पहला पेपर होगा, स्क्रीन के ऊपर जो है आप डेट शीट दे सकते हैं। और सबसे अहम चीज इसमें जो है वो ये है कि स्पेशल एग्जाम जो है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनका भी होगा इसमें। किन किन बच्चों को होगा? वो बच्चे जो रीअपियर हो रहे हैं, जो बच्चे फेल हो गए थे वो इस दफा रीअपियर हो रहे हैं, उनका होगा, लाजमी सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। और जो मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं उन बच्चों के होंगे, और जो मदरसे के बच्चे हैं उनके जो है लाजमी सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। तीन कैटेगरी जो है इसके ऊपर दी गई हैं, वो बच्चे जो बच्चे फेल हो गए थे या जिनकी किसी की कंपार्ट आ गई थी वो बच्चे जो है लाजमी सब्जेक्ट के एग्जाम देंगे, और जो है इंप्रूवमेंट वाले बच्चे जो है वो लाजमी सब्जेक्ट के एग्जाम देंगे, और मदरसे वाले बच्चे जो है वो लाजमी सब्जेक्ट के जो है वो एग्जाम देंगे। और जो लाजमी सब्जेक्ट के आपके एग्जाम शुरू होंगे वो 12/7/2021 से जो है वो शुरू होंगे। स्क्रीन के ऊपर जो है डेट शीट जो है आप देख सकते हैं जो बोर्ड की तरफ से जारी की गई है। मैं फिर आपको क्लियर बार बताता चलूँ, ये डेट शीट जो है ये बलोचिस्तान बोर्ड ने जारी कर दी है, सिर्फ ये डेट शीट जो है ये बलोचिस्तान बोर्ड की है। और जो पहली दफा एग्जाम इस दफा दे रहे हैं 11वीं क्लास का या 12वीं क्लास का, उनके सिर्फ अख्तियारी सब्जेक्ट के ही पेपर होंगे, उनके लाजमी सब्जेक्ट के पेपर नहीं होंगे। और ये डेट शीट जो है सिर्फ जो है क्वेटा बोर्ड, जो बलोचिस्तान बोर्ड है उसकी है। और अब हम बात करते हैं, जिस तरह बहुत ज्यादा एक अफवाहें जो है वो सुनने को मिल रही है, मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर मिल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर मिल रही है कि जी पेपर पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया गया है, 70% जो है एमसीक्यूज होंगे। तो इस तरह की कोई खबर जो है किसी भी बोर्ड की तरफ से जारी नहीं की गई, ये फेक न्यूज है। कोई भी इस तरह का चेंजिंग नहीं हो रही, जो आपका प्रीवियस जो पिछले साल पेपर पैटर्न था वो ही होगा। रही बात सिर्फ सिंध ने जो है पेपर पैटर्न चेंज किया है, उन्होंने 50% एमसीक्यूज किए हैं, 30% शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं और 20% जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, वो भी बहुत पहले जो है वो सिंध ने कर दिए थे। लेकिन पंजाब के हवाले से अभी तक जो है, या केपीके के हवाले से, फेडरल बोर्ड के हवाले से पेपर पैटर्न जो है वो चेंज नहीं होगा, ना ही बलोचिस्तान का होगा। जिस तरह पहले था वैसे ही होगा। दूसरी चीज, आपके जो एग्जाम होंगे वो स्मार्ट सिलेबस से आएंगे, और पंजाब वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनका शेड्यूल नहीं आया, उनकी डेट शीट नहीं आई, उनके जो है कोई भी पॉलिसी जो है वो जारी नहीं की गई कि किन किन कैटेगरी के जो पेपर हैं वो लाजमी सब्जेक्ट के होंगे और किन के जो है सिर्फ अख्तियारी सब्जेक्ट के होंगे। और ये चीज तो मैं आपको क्लियर बता दूं पंजाब के हवाले से कि जो बच्चे इस दफा फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं 11वीं क्लास के या 12वीं क्लास के, उनके सिर्फ जो है अख्तियारी सब्जेक्ट के होंगे। बाकी जो जैसे ही जो आएगी पॉलिसी जारी होगी, इंशाल्लाह अज़वजल आपके साथ फौरन शेयर की जाएगी। और एक चीज जो है मैं आपके साथ और शेयर करता चलूं कि पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड्स आते हैं सुबह पंजाब के अंदर, उसकी भी पॉलिसी जो है एक दो दिन के अंदर मुतवक्को है कि डेट शीट भी जारी कर दी जाएगी और शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा और जो है पॉलिसी भी जारी कर दी जाएगी। तो आप जो है इस चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लो, इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे बोर्ड्स की अपडेट्स आ रही हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले केपीके की आई, फिर फेडरल बोर्ड की आई, उसके बाद जो है सिंध की तरफ से आई, और आज जो है बलोचिस्तान तरफ से भी आ गई है। अब सिर्फ रहती है पंजाब बोर्ड की अपडेट, जैसे ही वो भी आएगी इंशाल्लाह अज़्वजल पूरे पाकिस्तान के अंदर 28 बोर्ड हैं, सब बोर्ड्स की आपको इंशाल्लाह ताला इस चैनल के ऊपर अथेंटिक और रियल न्यूज़ ही मिलेगी, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं, क्योंकि इस चैनल का मकसद भी ये है कि आपके साथ रियल न्यूज़ है वो शेयर करना। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला सारे बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करे, अल्लाह ताला सारे बच्चों की दुआएं कबूल करे, आमीन आमीन। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।